अचार बनाया मैंने, मीठा अचार बनाया आम का, और बनाई लाल लाल मिर्च का अचार जो बेटे की फरमाइश थी। और इसके बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया सा वेजिटेबल वाला, वेजिटेबल डाल के गाजर वगैरह डाल के सूजी को उत्पम अप्पम की तरह बना रही हूँ। तो चीले की तरह खूब इस पे परत चढ़ाऊंगी। तो इसमें मैंने सूजी को दही में भिगो लिया था 2-3 घंटे। इसमें ना कोई सोडा डालना होता, ना हीरो डालनी होती, कुछ नहीं डालते इसके अंदर। बस इसको ऐसे फेंटते हैं और ऊपर से ग्रेट किया मैंने, चॉपर किए बारीक बारीक गाजर टमाटर प्याज, ये देखिए। थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी, बस इतनी सी डालनी है। और थोड़ा सा डालना है जो ये पिज्जा पे डालते हैं ना जो ऑर्गेन, और ये थोड़ा थोड़ा ये वाला मसाला डालना है। तो मैं इसको बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको डाल दिया। इसके ऊपर अब ये मैं डालूंगी सब्जियां, खूब सारी इस तरह से सब्जी डालनी है। ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना। तो आप बना के खिलाए बच्चों को, इसमें बहुत सारी सब्जियां हो जाती है, बहुत सारी इससे हमें एनर्जी मिल जाती है, और बच्चों को बहुत अच्छा, जो खाने में बहुत अच्छा अलग सा फूड हो जाता है। तो आप इस तरह से बनाए फिर मुझे बताना। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी किचन को बढ़िया सा डेकोरेट किया है, क्लीन किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक छोटी सी प्रेरणा, गुणवत्ता कोई हमारा काम नहीं है, ये एक हमारी आदत होनी चाहिए, ये एक मेरी प्रेरणा थी। तो आप बताना आपको ये कैसी लगी। चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी किचन। ये देखिए मैंने किचन को, अब थोड़ी सी बरसात आ गई ना, गर्मी कम हो गई, तो मैंने किचन में इस तरह से प्लांट लगाए, ये देखो। ये देखिए इस तरह के मैंने यहाँ प्लांट लगाए, जो बहुत किचन में बहुत अच्छा सुकून मिलता है, ग्रीन ग्रीन रहती है। वो हमारा बेटा भाग गया, और ये देखो ये मैंने बना दिया। ये देखो कितना बढ़िया बनाया, ये देखो। Thank you.
ये देखिए मैंने किचन को, अब थोड़ी सी बरसात आ गई ना, गर्मी कम हो गई, तो मैंने किचन में इस तरह से प्लांट लगाया। ये देखो ये देखिए इस तरह के मैंने यहाँ प्लांट लगाए, जो बहुत किचन में बहुत अच्छा सुकून मिलता है, ग्रीन ग्रीन रहती है। वो हमारा बेटा भाग गया और ये देखो ये मैंने बना दिया। ये देखो कितना बढ़िया बना है, ये देखो